और अब बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि जब आप जानते हैं भारत में गर्मी पड़ती है तो भीषण गर्मी पड़ती है, बारिश होती है तो वो भी सारी बाउंड्री सीमाएं तोड़ देती है। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में मॉनसून का तांडव इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद जहां शहर शहर सैलाब का संकट है, नदियां उफान पर हैं, अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ रही हैं, सबसे बड़ा सैलाबी संकट इस वक्त है गुजरात और पहाड़ी राज्यों पर। कब कहां बादल फट जाए और सैलाब में जिंदगी फंस जाए कहना मुश्किल है। और इस बीच केदारनाथ से एक तस्वीर आई है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से पानी गिर रहा है बहुत तेज रफ्तार से। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है, लेकिन केदारनाथ में जबरदस्त बारिश के बीच यात्रियों की केदारनाथ में एंट्री पर रोक लगाई गई, लेकिन फिर भी आज खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश के बीच बादल फट रहे हैं और लोग वहां किस तरह से गुजरते हुए नजर आए हैं। दूसरा हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर एक बाइक सवार एक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उफान पर था और बाइक समेत वो बहने लगता है। आखिर कई मीटर दूर तक बहने के बाद बाइक छोड़ता है और वापस तैरते हुए बाहर निकल पाता है। वहां लोग ये घटना देख करके दहशत में चिल्लाने लगते हैं। 30 से 40 फीट दूर तक युवक बाइक के साथ बहता गया, उसके बाद अचानक उसे समझ में आया कि वो बाइक के साथ बाहर नहीं निकल पाएगा और इसलिए तैर करके बाहर निकला। बाढ़ बारिश का प्रहार, गुजरात में हाहाकार। मध्य प्रदेश में नदी में बह गया बाइक सवार। केरल में दरिया में उफान, आफत में फंसी जान। केदारनाथ में नदियों का शोर, गरज रहे बादल। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं सड़कों पर समंदर बह रहा है तो कहीं स्कूलों में पानी भर गया। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का सितम है। कई गांव का शहरों से संपर्क टूट चुका है क्योंकि सड़कें पानी के बहाव में बह चुकी हैं। लाखों लोगों के सामने बाढ़ और बारिश की वजह से खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। नदी नाले उफन रहे हैं और बाढ़ का पानी हाईवे पर है। लोग जान का खतरा मोल लेकर नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। पहाड़ों पर अगर आफत की बारिश हो रही है तो मैदान भी बादलों का कोहराम झेल रहे हैं। गुजरात में पानी को तरसते कच्छ में इन दिनों पानी ही आफत बन गया है। हर जगह बाढ़ का पानी है। राजकोट की ये तस्वीर है जहां बारिश और बाढ़ जमकर रंग दिखा रही हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब पानी पानी है। राजकोट तहसील में भी भारी बारिश हुई पिछले 24 घंटे में। राजकोट सिविल हॉस्पिटल के ये दृश्य है कि जहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से दर्दी और खास करके यहाँ पे जो एम्बुलेंस आ रही है उनमें उनको भी हालाकि का सामना है करना पड़ रहा है। खास करके जो राजकोट सिविल हॉस्पिटल है सौराष्ट्र की सबसे बड़ी हॉस्पिटल माना जाता है और यहाँ पे पानी इकट्ठा होने की वजह से दर्दियों को हालाकि का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से सिविल अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अब पूरा अस्पताल तालाब बन गया है। लगातार बारिश की वजह से हालात ये हैं कि कहां से अस्पताल शुरू होता है और कहां से सड़क, इसका अंतर ही खत्म हो गया है। बाढ़ का पानी और नाले का स्तर पूरे नवसारी में एक हो गया है। अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरने के बाद मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए बोट का सहारा लिया जा रहा है। कई मरीजों को तो पानी के बीच ही स्ट्रेचर के सहारे दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पताल से बाहर निकल सड़क की तरफ जाएंगे तो दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर 4-4 फीट पानी है। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिन तक सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका है जो व्यक्त की गई है। खास करके अभी भी सिविल हॉस्पिटल से पानी निकालने की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से न होने के वजह से जो दर्दी यहाँ पे दाखिल होते हैं, जो पेशेंट यहाँ पे दाखिल होते हैं, उसको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
गुजरात में भयंकर बारिश से कई जिलों में हालात बदतर हो गए हैं। वलसाड में भी भारी बारिश के चलते हालात लगातार खराब हो रहे हैं। सड़कों पर समंदर जैसे हालात हैं। लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। 4 घंटे में 5 इंच से ज्यादा जल जमाव हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सैकड़ों घरों को खाली कराया गया है। उपरवास में जिस तरह भारी बारिश हुई थी उसके चलते वलसाड़ के कई जो गांव है उसमें बाढ़ की परिस्थिति दिखने मिल रही थी। ये तस्वीर आप देख सकते हो, जो नुकसानी है वो कितनी हुई है। यहाँ पे जो स्थानिक जो लोग है वो 2 दिन तक घर की जो छत है वहाँ पे ही बैठे रहे थे। भारी बारिश से अंबिका और पूर्णा नदी तबाही मचा रही है। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर होने की वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। निचले इलाकों से लोगों को बोट से निकाला जा रहा है और पास के स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद वलसाड शहर में बादल फटने जैसे हालात हो गए हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर तक पानी पहुंच गया है। घर से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। गुजरात में भयंकर बारिश ने तांडव मचा रखा है। मूसलाधार आफत से सबसे ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है। नवसारी में लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश से ऐसी आफत मची कि अब तक शहर इससे उबरा नहीं है। सड़कों, मोहल्लों से लेकर अंडरपास तक अभी भी जलमग्न है। शहर समंदर बन गया है और घर दरिया। वलसाड में कुछ घंटों की भारी बारिश बाढ़ ले आई। सड़कों पर कमर तक पानी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग जहां के तहां फंसे हैं। आसमानी आफत इस कदर बरस रही है कि नदी नाले सभी उफान पर हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। दक्षिण गुजरात में 5 दिन से भारी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी इस वक्त शहर शहर भयंकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है। सोमवार को नर्मदापुरम के बनकेड़ी की उफनती ओल नदी में एक युवक बाइक समेत गिर गया। पुल के बीच में पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ा और वो बाइक के साथ नदी में बह गया। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। करीब 30 से 40 फीट दूर युवक बाइक के साथ बहता गया और तैर कर किसी तरह किनारे पहुंचा। कुछ देर बाद पानी कम हुआ तो युवक की बाइक भी मिल गई। मध्य प्रदेश की माचना नदी में आई बाढ़ से बैतूल का भोपाल से सड़क संपर्क टूट गया है। बैतूल शहर में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया और निचली बस्तियों में पानी घरों तक पहुंच गया। छोटी छोटी पुलिया पूरी तरह से जलमग्न है। भारी बारिश से बुरा हाल है बैतूल के छोटे छोटे गांव का। आसमान से आफत बरसती तो जिले के बीचों बीच बहने वाले नाले में भी उफान आ गया। निचले इलाकों की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मॉनसून में बारिश का इंतजार हर किसी को होता है, लेकिन जब चंद घंटे की भारी बारिश हो जाए तो राहत की बूंदें आफत बरसा जाती हैं। सैलाब के बीच क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी बेबस नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये तस्वीर देखिए। उफनती नदी पर गिरे एक पेड़ को सहारा बनाकर गांव वाले और बच्चे एक किनारे से दूसरे किनारे तक राशन की बोरियां पार करते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बीजापुर या सुकमा जिले के किसी गांव की बताई जा रही हैं। लेकिन स्थानीय भाषा में गांव वालों की बातचीत से ये जरूर समझ में आ सकता है कि वो एक दूसरे को संभल कर आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। ये तस्वीरें बाढ़ के बीच लाचार सिस्टम की बेरुखी की कहानी भी बयां कर रही हैं। केरल में इस वक्त भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है जिसने भयंकर हालात पैदा कर दिए। भारी बारिश की वजह से सड़कें, नदियां पानी से लबालब भरी हुई हैं। कहीं नदी किनारे मौजूद घर धराशाही होकर पानी में समा रहे हैं तो कहीं गाड़ियां पानी में तैरती और बहती नजर आ रही हैं। कुन्नूर का एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश के बाद नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि सड़क पार कर रहा एक परिवार नदी में फंस गया। गाड़ी में बैठे परिवार को निकालने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए और उसके बाद स्थानीय लोगों ने ही बारी बारी से सभी को जीप से निकाला। लेकिन निकालते निकालते जलस्तर इतना बढ़ गया था कि जीप को पानी से बाहर निकालना मुश्किल हो गया।
गोदावरी नदी का भयंकर रूप देखकर नासिक के बाशिंदे कांप रहे हैं। पानी की रफ्तार देखकर किनारों पर बसने वाले पनाह मांग रहे हैं। मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी जल समाधि लेने की कगार पर है। गोदावरी उफान पर है और प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन तक सभी स्कूलों को बंद करा दिया गया है। गोदावरी अभी भी उफान पर है। हम है मंदिरों के नगरी में रामकुंड परिसर, जहां कुंभ मेला लगता है हर 12 साल के बाद। आप देख सकते हैं जहां कुंभ मेला लगता है वो रामकुंड परिसर पूरी तरह से पानी में भरा हुआ है, और जो मंदिर थे गोदावरी के प्रांगण में वो पूरे मंदिर पानी के नीचे जा चुके हैं। लगातार बारिश और गंगापुर बांध से 10,000 क्यूसिक पानी छोड़ने की वजह से गोदावरी गदर मचाने लगी है। तो मंदिरों की नगरी नासिक आने वाले श्रद्धालु भी होटल के कमरों में बंद होने को मजबूर हो गए। हम लोग देखे तो पूरा परिसर जो है वो गोदावरी का, वो पूरी तरह से पानी के बाढ़ में चपेट में आया हुआ है। कल से करीबन सुबह से यही हालत यहाँ पर है। जो बारिश हुई है नासिक के त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी और दिंडोरी तालुका में, तहसील में करीबन 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो एवरेज बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कंटिन्यूअसली गोदावरी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को सुबह मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी कुछ ऐसा नजारा दिखा। सड़क समंदर बन गई और गाड़ियां डूब गई। सायन में तो लोगों का घरों से बाहर निकलना जैसे मुसीबत को निमंत्रण देने जैसा नजर आया। हालांकि प्रशासन ने पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये कोशिश भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। जो निचला इलाका माना जाता है उसमें पानी जो है जम रहा है। मैं अब सायन सर्कल में हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का जल जमाव जो है हो गया हुआ है, और यहाँ पे जो बीएमसी के जो वर्कर्स है ये जो पानी है वो निकालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये जो इलाका है ये निचला इलाका माना जाता है। मुंबई में जो है 3 दिन का जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर अब तक भारी बारिश के कारण 83 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 64 लोग घायल हैं। साथ ही अब तक 5,873 लोगों को बचाया जा चुका है, यानी उन्हें सुरक्षित जगह भेजा गया है। भारी बारिश से अब तक 164 जानवरों की भी मौत हुई है। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में मॉनसून का तांडव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद जहां शहर शहर सैलाब का संकट है, वहीं तमाम नदियां उफान पर हैं और अपने किनारे बसी आबादी और मकानों को उजाड़ने पर तुली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।